इयर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, हम लोग बहुत बढ़िया कहानी पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर कह सकते हैं। तो अ लेजेंडरी स्टोरी, जिसमें हम लोग मारुति के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता क्यों चिंतित थे वो पढ़ रहे हैं। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 42। गुरु बृहस्पति से टू चीफ केसरी दैट ही वुड हैव लव टू टीच समवन एज क्लेवर एज हनुमान। यहाँ पे जब केसरी जी ने रिक्वेस्ट की गुरु बृहस्पति से कि वो चाहते हैं कि हनुमान जी को यानी मारुति जी को गुरु बृहस्पति शिक्षा दें, तब गुरु बृहस्पति ने क्या उत्तर दिया बच्चों वो पढ़ेंगे। गुरु बृहस्पति से टू चीफ केसरी दैट ही वुड हैव लव टू ईच समवन एज क्लेवर एज हनुमान, बट हिज स्कूल वॉज फुल एट द मोमेंट, इट वॉज नॉट अ गुड न्यूज फॉर मारुति's फादर, ही लुक्ड अपसेट। गुरु बृहस्पति ने क्या उत्तर दिया, गुरु बृहस्पति ने कहा राजा जो केसरी जो राजा थे उनको ये कहा कि उनको बड़ा अच्छा लगेगा, वो अच्छा फील करेंगे यदि मारुति जैसे क्लेवर बच्चे को, मारुति जैसे स्मार्ट बच्चे को उन्हें पढ़ाने का मौका मिले। लेकिन क्या परेशानी थी, बट हिज स्कूल वॉज फुल एट द मोमेंट, लेकिन उनका जो स्कूल जो था जहां गुरु बृहस्पति पढ़ा रहे थे बच्चों, वहां पे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जरूरत थी उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो चुके थे, उनके एडमिशन जो थे वो फुल हो चुके थे, वो कंप्लीट हो चुके थे, वो एक नया स्टूडेंट नहीं ले सकते थे। तो ये उनकी परेशानी थी, इसीलिए उन्होंने केसरी जी को हनुमान या मारुति के जो एडमिशन के लिए या स्कूल में पढ़ाने से मना किया। इट वॉज नॉट अ गुड न्यूज फॉर मारुति's फादर, ये मारुति के पिताजी के लिए बिल्कुल भी अच्छे समाचार नहीं थे। ही लुक्ड अपसेट, वो उदास नजर आ रहे थे, अपसेट नजर आ रहे थे। सूर्या वुड मेक अ ग्रेट टीचर, ही वुड बी इवन बेटर फॉर योर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड चाइल्ड देन मी। और यहाँ पे गुरु बृहस्पति ने केसरी चीफ जो थे उनको एक सलाह दी। क्या सलाह दी उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि सूर्य भगवान जो है वो एक बड़े सर्वोत्तम शिक्षक रहेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड मारुति के लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है बच्चों, जो सबसे विभिन्न होता है, यूनिक होता है, अलग होता है। टैलेंटेड, टैलेंटेड का मतलब होता है जो जीनियस होता है, जो स्मार्ट होता है। ऐसे चाइल्ड के लिए बृहस्पति से भी अच्छे शिक्षक सूर्य भगवान रहेंगे। चीफ केसरी शोक हिज हेड लुकिंग वेरी सैड, चीफ जो केसरी जो राजा केसरी जो थे उन्होंने अपना सिर हिलाया और बड़े उदास नजर आए। मारुति हैड नियरली स्वेलोड द सन, मारुति जो थे वो लगभग सूर्य भगवान को निगल ही चुके थे। देयर इज अ नो वे सूर्या वुड वॉन्ट टू टीच हिम आफ्टर वॉट मारुति डेड। ही सेड, उन्होंने ये कहा कि देयर इज अ नो वे, कहीं ये मार्ग नहीं है कि सूर्य जो है वो अब पढ़ाना चाहेंगे जो हरकत मारुति ने की है उसके बाद। डोंट वरी आई शैल स्पीक टू हिम माई सेल्फ, यहाँ पे बृहस्पति जो है वो सपोर्ट करते, कह रहे हैं गुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उनसे वार्तालाप करूंगा, बिल्कुल इस विषय में बात करूंगा। एंड आई शैल ऑल्सो टेक द लिटल फेलो विथ मी टू लिव हिम इन सूर्यास केयर चेयर ऑफ प्लीज। और साथ साथ में बृहस्पति जी ये भी कह रहे हैं कि मैं उनसे बात भी करूंगा और लिटिल फेलो यानी ये छोटे से जो मारुति हैं इनको मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा और सूर्या की केयर में मैं इनको, सूर्य भगवान जो हैं उनके देखभाल में, उनके देखरेख में मैं मारुति को खुद ही छोड़ के आऊंगा। चेयर अप प्लीज, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए कृपा करके। गुरु बृहस्पति टुक मारुति टू लॉर्ड सूर्या, गुरु बृहस्पति जो थे वो सूर्य भगवान के पास मारुति को लेके गए, टुक यानी लेके जाना। हियर इज योर ओबीडियंट योर स्टूडेंट लॉर्ड सूर्या, यहाँ पे बृहस्पति जी मारुति को सूर्य भगवान के पास ले जाके क्या कहते हैं, हियर इज योर ओबीडियंट, ये रहा आपका आज्ञाकारी। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आज्ञाकारी। हम लोग लेटर जब लिखते हैं तो नीचे भी हम लोग वर्ड लिखते हैं योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, योर ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी। ओबीडियंट का मतलब होता है बच्चों आज्ञाकारी। योर स्टूडेंट आपका विद्यार्थी लॉर्ड सूर्या, प्लीज टीच हिम, कृपया करके इसे शिक्षा दीजिए। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूं समडे ही विल मेक यू प्राउड ऑफ हिम, सेड बृहस्पति। और उन्होंने साथ में ये भी श्योर हुए, वो भी ये आश्वस्त हुए कि एक ना एक दिन ये आपको गर्व जरूर महसूस करवाएगा। लॉर्ड सूर्या लुक्ड एट मारुति, सूर्य भगवान ने मारुति की तरफ देखा। ही वॉज नॉट टू हैप्पी टू सी द लिटिल फेलो, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य भगवान इस छोटे से बालक को देख के खुश नहीं थे। फुल ऑफ मस्चीफ,
क्या था, बिल्कुल शैतानियों से भरे थे छोटे से मारुति, who had nearly swallowed him, जिसने तकरीबन किसको निगल लिया था, तकरीबन वो निगलने ही वाले थे सूर्य भगवान को उनके बीच में। आपको जैसा मैंने बच्चों पढ़ाया पहले कि उनके बीच में दोनों आमने सामने आ चुके थे और वो तकरीबन सूर्य भगवान को निगलने ही वाले थे। आगे क्या हुआ, लॉर्ड सूर्या ने कैसे मारुति को शिक्षा प्रदान की और मारुति ने क्या सीखा बच्चों, ये नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन करेंगे, व्हाई डिड गुरु बृहस्पति रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मारुति एज ए स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहे हैं कि गुरु बृहस्पति जो है उन्होंने मारुति को अपने स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार क्यों नहीं किया। क्या आंसर दिया था गुरु बृहस्पति ने, आंसर थ्री, गुरु बृहस्पति रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों, मना करना, बिकॉज हिज स्कूल वॉज फुल एट द मोमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों कि गुरु बृहस्पति ने जवाब दिया कि उनके स्कूल में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उनको चाहिए थे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो चुके थे और वो और नए स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने मारुति को अपने स्कूल में लेने से रिफ्यूज किया, केसरी जी को मना किया कि मैं आपके बालक को पढ़ा नहीं सकता। गुरु बृहस्पति रिफ्यूज बिकॉज हिज स्कूल वॉज फुल एट द मोमेंट। आई होप बच्चों ये पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप रीडिंग बच्चों, आप इसको एक बार रिवाइज भी कीजिए, रीडिंग भी लगाइए। थैंक यू वेरी मच।